हूँ, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर। पावर और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। समझिए, ये क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, एनर्जी मतलब यू अपॉन एरिया इनटू टी, हाँ कि ना, यही लिखते हैं। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता था, एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ कि ना। तो पावर इज टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो होता था। और टोटल एनर्जी अपॉन टाइम क्या है, यू बाई टी, हाँ कि ना। तो यू बाई टी क्या हो जाएगा, पावर। तो यू बाई टी किसमें चेंज जाएगा, पावर में। तो पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी का रिलेशन क्या हो गया, पावर अपॉन एरिया। समझ में आया कि नहीं। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सेम होगी, हाँ कि ना। पावर की होती है वॉट, एरिया हो गई मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए इसको और अच्छे तरीके समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी बल्ब है एक तरीके का, ठीक है, कोई एक बल्ब है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। और उसमें से क्या कर रही है, एनर्जी निकल रही है, हाँ कि ना, एनर्जी निकल रही है। समझ में आ रहा है कि एनर्जी निकल रही है, ये देखो निकल गई। अब यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आप एक बल्ब खरीद के लाइए मार्केट से, जला दीजिए, ठीक है। जलाने के बाद देखेंगे आप क्या होगा, चारों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्या बहेगी, एनर्जी बहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग एक मीटर, वन मीटर स्क्वायर का अगर कोई एरिया ले लें, क्या ले लें, कोई एरिया ले लें, इस एरिया में से जितनी क्या होंगी, जितनी एनर्जी पास करेगी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, जो एनर्जी पास करेगी पर सेकेंड, क्या पर सेकेंड, एक यूनिट सेकेंड में, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी जो पावर थी, पावर, पावर में मान लेता हूं कुछ कुछ, मैं मान लेता हूं कुछ हंड्रेड ही ले लेते हैं, हंड्रेड ले लेते हैं, हंड्रेड वॉट का है, ठीक है, क्या कर लेते हैं, हंड्रेड वॉट का है। तो जो हंड्रेड वॉट मतलब क्या हुआ, हंड्रेड जूल पर सेकेंड, ये क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है। समझ में आ रहा है ना, एनर्जी ऐसे ऐसे चारों तरफ कर रहा है, तो ये 100 जूल पर सेकंड निकाल रहा है। समझ में आएगी नहीं, एनर्जी चारों तरफ फैला रहा है। तो एक मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी पर सेकंड जाएगी, उसी को कहते हैं क्या, इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासेस थ्रू वन यूनिट, यूनिट यूनिट क्या, यूनिट क्या, यूनिट एरिया, ठीक है, या पर यूनिट एरिया हो गया, पर यूनिट टाइम। समझ में आया कि नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया, एरिया फॉर क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, या यूनिट टाइम, समझ में आया कि नहीं, या पर सेकंड आप कह लीजिए, एक सेकंड में। समझ में आया कि नहीं, उसी को क्या कहते थे बच्चों, अब समझ में आया कि नहीं, उसी को क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे, आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गई हमारी क्या, पावर की बात, पावर और इंटेंसिटी की बात होगी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहां पे एक और टर्म आता है क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर कुछ और नहीं, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। अभी आप जैसे डिफिनेशन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एस वेक्टर से। अब देखिए क्या है, एस वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता था, हमारी इंटेंसिटी, उसकी क्या है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होता है उसी के अलोंग क्या होता है, हमारा ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, जिसे कहते हैं क्या, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है मैंने, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जो एनर्जी की डायरेक्शन, एनर्जी का जो प्रोपोगेशन होगा, एनर्जी की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। समझ में आया कि नहीं, हाँ। और वेव प्रोपोगेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस
मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस ले लीजिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, वही प्रोपोगेशन हो जाएगी जो आपका थंब करेगा, हाँ कि ना। या आप ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर आप इसका क्रॉस लेंगे तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, समझ में आ रहा। तो ई क्रॉस बी कर देंगे, आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मिल जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब अगर कोई कहता है कि फॉर्मूला बताइए क्या पॉइंटिंग वेक्टर का, तो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट वही होती है जो किसकी होती है, इंटेंसिटी की होती है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हम लोग मान लेते हैं ये ब्लैक 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 वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं ई क्या करूं, ई क्रॉस बी करूं, ठीक है, ई से बी की तरफ जाऊं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी, समझ में आ रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, हाँ कि ना। इसे अब अच्छे से आप क्या करिए, नोट करिए अब आप।